दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियोस के थ्रू बताया था कि आरबीआई का एक नया गाइडलाइंस आया है जो कि जनवरी 1 से लागू होने वाला है। तो गाइडलाइंस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है जो कि आरबीआई ने ऑफिशियली ये पब्लिश किया है। क्या है वो चेंजेस आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो जो है पूरा देखिए तभी आप लोगों को पता चलेगा वो चेंजेस क्या होने वाला है। जो आरबीआई ने 5 गाइडलाइंस निकाला था और वो 5 गाइडलाइंस में क्या चेंजेस होने वाला है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पूरा देखिए एंड तक बिना स्किप किए। दोस्तों अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन टिप्स एंड ट्रिक्स मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को कुछ दिन पहले वीडियोस के थ्रू बताया था कि 5 दिन बाकी है 2024 आने में और 5 ऐसे नए गाइडलाइंस जो कि जारी किया है आरबीआई ने। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो वीडियोस या फिर मैं आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा आप उसमें भी जाके देख सकते हो वो 5 गाइडलाइंस क्या क्या है जो कि आरबीआई लागू करने वाला है। कुछ गाइडलाइंस पहले से ही लागू था जो कि 2024 में और ट्रिकली जो है वो काम करेगा और कुछ ऐसे नए गाइडलाइंस भी जारी हुआ है जो कि 2024 में जो है 1 जनवरी से लागू होने वाला था। लेकिन ऐसा जो है चेंजेस हुआ है, अब वो चेंजेस क्या हुआ है वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि जो गाइडलाइंस आया था वो गाइडलाइंस 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गाइडलाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, गाइडलाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो 5 गाइडलाइंस मैंने आप लोगों को दिखाया था बताया था वो ही रहने वाला है, लेकिन जो डेट था वो चेंज कर दिया है आरबीआई ने। जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स में देख पा रहे हो, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं वहां पे क्या चेंजेस जो आया है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है आरबीआई एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस ऑन पेनल चार्जेस इन लोन अकाउंट। तो आप सभी को पता था कि यहाँ पर एक ऐसा भी गाइडलाइंस था कि आप लोगों का जो भी लोन है उसमें क्या हो रहा था कि आपका जो भी लोन अमाउंट था उससे पेनल चार्जेस एक्स्ट्रा लगा रहा था कंपनीज और वो 10,000 से 20,000, 30,000, 40,000 तक पहुंच जा रहा था जो कि कंपनीज वालों का एक एक्स्ट्रा चार्जेस होता था, मनगढ़ंत चार्जेस, ठीक है, वो उस तरीके का चार्जेस जो कि कंपनी लगा नहीं सकता, इलीगल वे में वो लोग अपना इनकम सोर्स बढ़ा रहे थे। तो उसी के लिए जो है ये गाइडलाइंस निकाला था। कुछ ऐसा गाइडलाइंस भी है जो कि रिकवरी एजेंट्स के ऊपर है कि रिकवरी एजेंट जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल वगैरह कर रहे हैं उसमें भी जो है रोक टोक होने वाला है। लेकिन अभी के टाइम में जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी पेनल चार्जेस लगने वाला था, ठीक है, उसके ऊपर जो गाइडलाइंस था उसमें थोड़ा सा जो है टाइमिंग के ऊपर जो है चेंजेस हुआ है, डेडलाइंस जो है, ठीक है, जो 1 जनवरी का था मतलब 31 दिसंबर का डेडलाइन था, 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें जो है एक्सटेंड किया है आरबीआई ने, जो टाइम था वो टाइम एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्विच ओवर टू द न्यू पेनल चार्जेस रेजिमी शैल बी इंश्योर्ड ऑन नेक्स्ट रिव्यू रिन्यूअल डेट फेलिंग ऑन आफ्टर April 1, 2024 बट नॉट लेटर देन June 30, 2024। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कि जो 1 जनवरी को आने वाला था वो 3 महीने बाद लागू होने वाला है जो कि 1 अप्रैल 2024 को लागू होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बोलेगा कि मुझे टाइम चाहिए एनबीएफसी वगैरह जो बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चेंजेस करने का रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। एनबीएफसी और बैंक ये जो चेंजेस कर रहे हैं जिसके वजह से जो है मतलब आरबीआई जो चेंजेस ला रहे हैं तो एनबीएफसी और बैंक को थोड़ा टाइम चाहिए। उन्होंने जो है यहाँ पे ये लोग जो भी है एनबीएफसी और बैंक वाले क्या है कि बोल रहे कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये जो भी चेंजेस है ह्यूज चेंजेस है जो कि चेंज करना टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है 3 मंथ्स का एक्सटेंड कर दिया है डेट, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। लेकिन बोला है कि नॉट मोर देन June 30, 2024, मतलब टाइम दे दिया है, एक्सटेंडेड टाइम दिया है कि 1 अप्रैल को होगा लेकिन June 30 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि एक यहाँ पे गाइडलाइंस में चेंजेस है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर लेंडर ऑन पेनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स बाय 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। इन अगस्त द आरबीआई हैड इशूड फ्रेश गाइडलाइंस फॉर लेंडर ऑन पेनल चार्जेस इन लोन अकाउंट टू एंश्योर दैट पेनल इंटरेस्ट चार्जेस इज नॉट यूज्ड एज रेवेन्यू एनहांस टूल बाय देम। पेनल चार्जेस कोई भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं है, जो कि कंपनीज कर रहा था कि इलीगल वे में वो एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है गाइडलाइंस आया था कि जो मनगढ़ंत जो पेनल्टी चार्जेस लगा रहा था कंपनीज वो नहीं लगा सकता, तो उसके ऊपर ही जो गाइडलाइंस आया था। तो उसी में जो है डेट जो 1 जनवरी से आने वाला था वो 1 अप्रैल जो है होने वाला है, ठीक है, और लास्ट जो डेट है वो June 30 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्टेड वाज सपोज टू कम
इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1st 2024, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जनवरी 1st को जो है लागू होने वाला था। हाउएवर कंसीडरिंग द सर्टेन क्लैरिफिकेशन एंड एडिशनल टाइम हैज बीन सॉर्टेड फॉर सम रेगुलेटेड एंटिटीज टू रिकॉन्फिगर देयर इंटरनल सिस्टम्स एंड ऑपरेशनलाइज द सर्कुलर। तो ये भी जो चीजें हैं आप सभी को पता है बहुत बड़ा चीज है जो कि टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा टाइम मांगा है, जो कि रेगुलर एंटिटीज होता है बैंक्स एनबीएफसी को बोला जा रहा है रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रेगुलेटेड एंटिटीज आर ई सैल एंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शन आर इम्प्लीमेंटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द फ्रेश लोन अवेल्ड फ्रॉम 1st अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो भी है, जो भी नया लोन लेगा 1st अप्रैल से, तो उन लोगों का ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी लोन दे रहा है तब से जो है नहीं हो रहा है, तो 1st अप्रैल से अगर कोई भी लोन मिल रहा है, किसी को लोन दे रहा है, तो यहाँ पे ये लागू हो जाएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, मनगढ़ंत चार्जेस ये लोग लगा नहीं सकता। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन जो मनगढ़ंत चार्जेस लगाता है वो आप लोगों को बता भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को बताया कि कौन सा लोन एप्लीकेशन करता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्यादा देर नहीं करना है, 1st अप्रैल से ये लागू होगा, लेकिन June 30 के बीच में ही करना पड़ेगा। अंडर द न्यू रूल्स पेनल्टी इफ चार्जेस नॉन कंप्लेंस ऑफ द मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन कॉन्ट्रैक्ट बाई द बोरोअर्स शुड बी ट्रीटेड एज पेनल चार्जेस, ठीक है। इट कैन बी लेव्ड इन फॉर्म ऑफ पेनल इंटरेस्ट। पेनल चार्जेस और पेनल इंटरेस्ट अलग चीज होता है, ठीक है। पेनल चार्जेस होता है कि आपने अगर लेट कर दिया तो उसके ऊपर चार्जेस लगता है, लेकिन वो एक मिनिमल चार्जेस होता है, एक चार्जेस जो है वो लगा सकता है जो कि आरबीआई फिक्स करके रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कि बोला जाए पेनल इंटरेस्ट, जो कि पेनल चार्जेस के हिसाब से वो लोग पेनल इंटरेस्ट के नाम पे वो लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, ठीक है। वो इंटरेस्ट क्या होता है, उन लोगों का प्रॉफिट होता है, उन लोगों का इनकम होता है। तो ये प्रॉफिट और इनकम आप लोग जो बोल रहे हो, यहाँ पे पेनल इंटरेस्ट के तौर पे जो है ये लोग सोच रहे थे कि भाई जो भी इंटरेस्ट, जो भी पेनल्टीज मैं लगाऊंगा वो इंटरेस्ट के तौर पे मैं लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है यहाँ पे बताया गया है, आरबीआई ने डेट जो है एक्सटेंड कर दिया है, ये ऑफिशियल न्यूज है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले ये न्यूज आया था, हालांकि मैं नहीं था घर पे तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन दोस्तों एक और गुड न्यूज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो से, कि मेरा जो पुराना चैनल था, अगर आप लोग इस चैनल पर हो जो कि पुराना चैनल से यहाँ पर आए हो, तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पुराना जो चैनल था आपका दोस्त अमित, वो लौट चुका है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। 74,000 सब्सक्राइबर का चैनल था और वो डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने, लेकिन वो हाल ही फिलहाल लौट चुका है। यूट्यूब ने रिव्यू करने के बाद पता चला उन लोगों को कि कोई भी गाइडलाइंस मैंने नहीं तोड़ा था, तो उन्होंने वापस कर दिया। तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप लोग जाना चाहते हो उसमें फिर से, आप लोग उस जाके चैनल सर्च करके देख सकते हो। मैं चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो भाई, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।